हेलो दोस्तों, बैंक निफ्टी में आज के दिन जो आज 18 तारीख है और यहाँ पर अगर आप देखें तो विक्स की अगर बात करें तो विक्स 14% के आसपास अभी चल रहा है, 14.45 के आसपास। और बैंक निफ्टी ने आज एक अच्छा मूवमेंट देकर हाई की तरफ और यहाँ से ये टूटना जो है शुरू हो गया। बट क्या होता है कि आज के दिन एक प्रीमियम डीके हो जाता है। आज वेडनेसडे है और आज जो है प्रीमियम डीके हो रहा है, तो जो 200 हमारा हर रोज़ की जो टारगेट रहता है डेली का, कि 170 से 200 के बीच की जो स्ट्राइक प्राइस होती है हम उसे पिक करते हैं। बट अभी हम क्या करेंगे, हमने आज जो इसको आइडेंटिफाई किया क्योंकि पिछले वीक में मैंने देखा, पिछले वीक में और वेडनेसडे के दिन ही जो है हमें लॉस हुआ था, और वो हुआ था एज अ एक पूरा प्रीमियम डीके की वजह से। नॉर्मल डेज में 170 से 200 के बीच की जो स्ट्राइक प्राइस है वो आराम से बहुत अच्छी चलती है, बट यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही बुधवार आता है वैसे ये स्ट्राइक प्राइस जो है काम नहीं करती, क्योंकि अगर काम करेगी तो मोमेंटम में करेगी, मोमेंटम में काम करेगी तो हमारे 30 पॉइंट नहीं आएंगे, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद अगर ये थोड़ा सा साइडवेज हो जाएगी तो ये अभी बिल्कुल लो की तरफ चली जाएगी। अगर साइडवेज नहीं रही तो ये क्या होगा, अगर साइडवेज नहीं रही है मार्केट तो ये जो 200 से 300 या 30 से 40 पॉइंट के आसपास की हमें रैली आराम से मिल जाएगी। अगर हम 250 के आसपास की एक पूरी वो रखेंगे स्ट्राइक प्राइस ओनली फॉर वेडनेसडे, ये और दिन के लिए नहीं है, ये सिर्फ बुधवार के लिए है, और 250 के आसपास की हमें जो है वो स्ट्राइक प्राइस रखनी है। जैसे हमने अभी बाय की थी 42,400 की, तो वो हमारे टारगेट से 26 पॉइंट तक का उसने आज प्रॉफिट दिया, और 26 पॉइंट के बाद अभी वो डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में चली गई है, लॉस देने लग गई है। और जैसे मैंने देखा कि 42,500 की थी जो, उसने पूरा 30 पॉइंट गेन दिया, तो पूरे पूरे हमें 30 पॉइंट के लिए आज के दिन ये 250 के आसपास की जो है ट्रेड लेनी होगी। और बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि यहाँ से अभी इसने मूवमेंट जो है वापस शुरू कर दिया है, और यहाँ पर हमने क्या रखा था अपना, यहाँ पर हमने बाइंग करी थी और यहाँ पर सेल लगाया था, स्टॉप लॉस सॉरी, हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया इसके हाई पर, और यहाँ से ये उसके उससे पहले जो है हमारा यहाँ के आसपास जो है एक लॉस हो चुका था, क्योंकि कंपोनेंट्स जो है HDFC वो अच्छा खासा बुलिश चल रहा था, और उसके बाद जो SBI बैंक था वो भी एक बुलिश था। अभी दो दो पॉइंट जो है 0.35% ये डाउन ट्रेंड में है, और ये जो 2 पॉइंट गिरा है इंडसइंड बैंक, और ये भी जो है प्रॉफिट में चल रहे थे उस समय सुबह सुबह के टाइम, मतलब इस समय 10:09:40 10 बजे वाली कैंडल में, तो यहाँ पर ये प्रॉफिट में चल रहे थे, कंपोनेंट्स इसका साथ नहीं दे रहे थे। बट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कंपोनेंट्स ने साथ दिया पूरा इसका, यहाँ से ये भी थोड़ा कूल ऑफ हुआ, ये भी अपने एक जोन में चला गया, और यहाँ से जो देखेंगे ये SBI बैंक ये आराम से अपना डाउन ट्रेंड में चला गया। चलिए एक बार आपको ये भी दिखा देता हूँ HDFC क्या कर रहा है। HDFC को ये चीज़ देखने के लिए हमें 15 मिनट में जाना पड़ेगा। तो ये 15 मिनट में देखिए दोस्तों, ये जो जोन था डेली में एक बार रीड करेंगे तो क्या होगा इसका। तो हाँ दोस्तों, ये जो जोन था, ये जोन 1600
40 वाला, यहाँ पर एक बहुत लिक्विडिटी वाला जोन है, और यहाँ से हर बार मार्केट ने जो है एक शार्प फॉल या बिग मूव जो इसने दी है इसके अंदर से, तो अभी भी ये बस थोड़ा साइडवेज ही मार्केट में चल रहा है, और देखते हैं कि हाई साइड जाएगा लो साइड। ये देखिए इसने यहाँ पर भी ही क्रिएट कर दिया, अभी देखते हैं थोड़ा सा साइडवेज होगा मार्केट। और ये विक्स और रही बात SBI की, तो ये अपना रिकवरी के मोड में चले गए, यहाँ भी ग्रीन हो गए हैं, और रिकवरी के मोड में जाते जाते इन्होंने जो SBI का मूव दिखाऊँ आपको, तो SBI ने देखिए इसने दिन से ही जो है गिरना शुरू कर दिया था, और गिरने के बाद अभी ये थोड़ा स्टेबल हुआ है, बट HDFC ने एक पूरी बड़ी ग्रीन कैंडल दे दी थी जिसके कारण मार्केट जो है अपसाइड मूव कर दिया, और बैंक निफ्टी के अंदर हमें पहले ट्रेड के अंदर लॉस हुआ। ये हमें क्या करना है दोस्तों, तो पूरा पूरा एकदम ATM की बाय करनी है वेडनेसडे वाले में, मतलब 42,500 की आज बाय होती है। तो ये था दोस्तों आज की इस वीडियो में, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ।